सिपाही हरि सिंह द ग्रेनेडियर्स 55वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। सत्रह अठारह फरवरी 2019 की रात को गांव पिंगलाना जिला पुलवामा जम्मू और कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर एक अभियान शुरू किया गया। सिपाही हरि सिंह ने मेजर विभूति शंकर डोंडियाल के साथ सामने से नेतृत्व किया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप सिपाही हरि सिंह कई गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को भागने नहीं दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे प्रभावी गोलाबारी करते हुए गोलाबारी के बीच गौशाला के नजदीक गए। जब आतंकवादी गौशाला से अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए बाहर निकले, तब उन्होंने भारी गोलाबारी करके एक आतंकवादी को मार गिराया और एक अन्य आतंकवादी को घायल कर दिया और अभियान स्थल पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम आतंकवादी संगठन श्रेणी A++ के रूप में हुई। इस प्रकार सिपाही हरि सिंह ने कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही हरि सिंह की पत्नी श्रीमती राधाबाई।